नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप भी माँ दुर्गा के अनन्य भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें ताकि आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि इस बार दोस्तों माघ माह में, दोस्तों तारीख की बात करें तो 2 फरवरी से 9 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि रहेगी। दोस्तों, जिस प्रकार अनेक लोग अपनी साधनाओं को पूरा करने के लिए, अपने ज्योतिष हित बनाने के लिए और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाने के लिए गुप्त नवरात्रि का सहारा लेते हैं ताकि उनके जीवन की जो दुविधाएं होती है, उनके जीवन की किसी प्रकार की कोई समस्याएं होती है तो वह समाप्त हो जाए और आपके जीवन के अंदर प्रकाश देखने को मिले। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गुप्त नवरात्रि के उपाय। अगर आप कोई भी एक उपाय करते हैं तो आपका बड़ी से बड़ी परेशानी तुरंत दूर होती है और आपकी हर इच्छा पूरी होती है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। दोस्तों, इस गुप्त नवरात्रि के दौरान सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखें कि घर के अंदर आप लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करें, क्योंकि इस दौरान अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पता नहीं चलता लेकिन आने वाला समय उस व्यक्ति का बहुत कठिन हो जाता है। इसकी वजह से ऐसा करने की मनाही की जाती है। दोस्तों, इसी तरह गुप्त नवरात्रि के दौरान आप अपने घर के अंदर घट स्थापना करें या न करें, माँ दुर्गा की इस स्पेशल या अलग विधि से पूजा करें या ना करें, लेकिन दोस्तों गुप्त नवरात्रि के दौरान रोजाना आधी रात्रि को अर्थात की 10-11 बजे के बाद कभी भी आप एक सरसों के तेल के अंदर आप दीपक जरूर जलाएं और 11 बार ओम द दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम द दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप अपनी निद्रा ग्रहण करेंगे तो दोस्तों आपके घर के ऊपर किसी भी प्रकार का अंधकार, बुरी शक्ति, नजर दोष होगा तो वह समाप्त हो जाएगा और गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाएगी। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान अगर कोई भक्त अपने घर को आधी रात्रि को दीपक जलाता है तो इसका मतलब है कि उस भक्त के जीवन के अंदर अंधकार समाप्त हो जाता है। उस भक्त के घर के अंदर दुर्घटनाएं होना, आर्थिक मंदी होना, इस प्रकार की सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है। और दोस्तों, अगर किसी प्रकार का कोई नजर दोष, वास्तु दोष होता है तो उसे भी समाप्त होना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान आपके हाथों से जितना ज़्यादा हो सके छोटी कन्याओं को दान पुण्य, उन्हें भोजन करवाना, उन्हें किसी प्रकार से आप कपड़े आदि देना भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर गुप्त नवरात्रि के दौरान आपने छोटी कन्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य किया तो निश्चित तौर पर आपकी किस्मत चमक जाती है, घर परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है और माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर परिवार के अंदर ओजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर हमेशा कलह रहती है, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, या फिर दोस्तों आपको नौकरी आदि की ज़रूरत है और नहीं लगती तो दोस्तों गुप्त नवरात्रि के दौरान प्रत्येक दिन आप हनुमान जी के मंदिर या शिव मंदिर जरूर जाएं। आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं तो वहां पर जाकर आप हनुमान जी को आप प्रत्येक दिन लौंग और गुड़ के साथ चने का भोग लगाएं और हनुमान जी से गुप्त नवरात्रि के दौरान अपनी जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे नौकरी हो, परिवार के शांति कलह हो या फिर किसी प्रकार के कोई दुर्घटना आदि का भय हो तो हनुमान जी से मनोकामना मांग लें। और इसी तरह अगर आप भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं तो आप उन्हें एक बेलपत्र और साधारण जल के साथ थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद हनुमान जी से आपकी मनोवांछित इच्छाएँ बोल दें। निश्चित तौर पर दोस्तों वह आपका काम बन जाता है और इस गुप्त नवरात्रि के दौरान अगर कोई भक्त ऐसा काम कर लेता है तो उसे किसी भी प्रकार का भय, शत्रु बाधा, दोष नहीं रहता है और निश्चित तौर पर देवी देवताओं की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर देखने को मिल जाती है। इसी तरह दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान जितना ज्यादा हो सके मछलियों को आटा, चींटियों को आप शक्कर के साथ आटा, कौवों को, कबूतरों को या आपके आसपास जो भी पक्षी है उन्हें ज्वार आदि दान, अनाज का दान कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके आप गरीबों को वस्त्र वितरण, भोजन वितरण, इस प्रकार का काम करते हैं दोस्तों, क्योंकि गुप्त नवरात्रि दान पुण्य विशेष माना जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, यह दान किसी भी दें आप उसे न तो नवरात्रि की बात बताएं न ही इसे किसी बताएं, ऐसे ही आप दान करने के लिए निकल जाएं और इन चीज़ों का दान करें। निश्चित तौर पर वह आपका दान सफल होता है, माँ दुर्गा की कृपा से
से आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियां भी तुरंत समाप्त होती है और आपके घर परिवार के अंदर अच्छा देखने को मिलता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय माँ दुर्गा मित्रों।